हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की सीरीज़ में ये सिंप्लेक्स मेथड को लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, एंड उसमें हमने फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल को कंप्लीट किया था। एंड वो टेबल ये आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उस टेबल में हमने ये दो चीज़ें मेन हाईलाइट करी थी। फर्स्ट इज़ दिस रो, जिसको हमने बोला था की रो, एंड सेकेंड इज़ दिस कॉलम, जो ये येलो बॉक्स में हमने हाईलाइट किया है। दिस इज कॉल्ड एज की कॉलम, राइट। एंड एक चीज़ जो वहाँ नहीं बताई थी वो अभी बता रहा हूँ, दैट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो की कॉलम और की रो दोनों में आ रहा होगा। ये रहा, देखिए ये 5 जो है ये की कॉलम का भी एलिमेंट है और की रो का भी एलिमेंट है। इस 5 को हम बोलेंगे की एलिमेंट। क्या बोलेंगे? की एलिमेंट, ठीक है। नाउ अब हम सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल पे चलेंगे। सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल पे चलने का मतलब ये है कि अब हम इन वैल्यूज से हम सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल पे मूव करेंगे। ऑल राइट, सो सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल पे जाने के लिए हमें की कॉलम और की रो की क्यों ज़रूरत पड़ी? बिकॉज अब जो सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल हमारी होगी, ये देखिए मैंने फॉर्मेट यहाँ ऑलरेडी बना लिया है। इस फॉर्मेट के अंदर जो चेंजेस आएंगे, सबसे पहले वो ये आएंगे, कैलकुलेशंस होंगी, काफ़ी कैलकुलेशंस होंगी, बट ईजी है, एक बार समझिए तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। सबसे पहले हम वहाँ पे जो चीज़ें सेम रहेगी उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट टेबल में जब हम जाएंगे तो सीजे वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं होगा और सीजे वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी, राइट। व्हाट आई मीन बाय एज इट इज़ आ जाएंगी कि सीजे में फर्स्ट वैल्यू 5300, सो 5300 विल बी देयर एज इट इज़। उसके अलावा ये जो वेरिएबल्स आपने यहाँ लिखे थे, X1, X2, S1 एंड S2, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए चेंज होना स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो की रो और की कॉलम हमने बनाया, इनका मतलब क्या है। की रो का मतलब से आप देखिए, की रो पे हमने एक आउटगोइंग एरो लगाया है, ये देखिए, एंड जो की कॉलम है उस पर हमने एक अपकमिंग इनकमिंग एरो लगाया है। इन दोनों का मीनिंग ये है कि अब बेसिक वेरिएबल में X1 की एंट्री होगी और X1 किसकी जगह आएगा? S2 की जगह आएगा। इन दोनों एरोज़ की ये सिग्निफिकेंस है। तो मैं BV में, क्योंकि S2 जा रहा है तो S1 एज इट इज़ रहेगा, तो मैंने यहाँ S1 लिख दिया और उसका कंट्रीब्यूशन 0 एज इट इज़ रहेगा। बट S2 की जगह, आप देखिए इस टेबल में आपने कितने बोला है, हमने कहा है कि S2 की जगह क्या आएगा? X1 आएगा। तो S2 की जगह इट विल बी X1, और X1 का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा वो यहाँ से देख लीजिए, 5। कंट्रीब्यूशन मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसका कोएफिशिएंट क्या है, वो है 5, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो नई वैल्यूज़ निकालेंगे, वो वैल्यूज़ हम निकालेंगे। अब ध्यान से थोड़ा देखिए, ये चीज़ समझ आ गई तो सब समझ में आ गया सिंप्लेक्स मेथड में। अब हम सबसे पहले वैल्यूज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हम सबसे पहले निकालते हैं न्यू वैल्यूज़ फॉर की रो, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं की रो जो है उसकी न्यू वैल्यूज़। अब की रो आपके यहाँ क्या है? ये सेकेंड वाली रो को आपने की रो बोला है, राइट। तो इसकी न्यू वैल्यूज़ निकालने का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल चीज़ है। ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। आप ओल्ड वैल्यू को की एलिमेंट से डिवाइड करते जाइए और आपको नई वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। जैसे देखिए, मैं सबसे पहले की रो मतलब सेकेंड वाली रो की वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ। फर्स्ट ओल्ड वैल्यू है 5, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, की एलिमेंट भी कितना है? यही है 5। सो 5/5 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट ओल्ड वैल्यू है 2, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट ओल्ड वैल्यू इसकी रो की 2, सो डिवाइडेड बाय 5, तो 2/5। सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। एक चीज़ यहाँ ध्यान रख लीजिए, सिंप्लेक्स मेथड में हम डेसिमल्स में नहीं जाएंगे। फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आ रही है, सिंप्लीफाई नहीं हो रही है, तो उसको एज इट इज रख दीजिए, 2/5, इसको 0.4 मत कीजिए, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यूज को ही काम मिलेंगे। सो फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट न्यू वैल्यू आ गई, सेकेंड न्यू वैल्यू आ गई। अब थर्ड न्यू वैल्यू देखिए, तो थर्ड ओल्ड वैल्यू है 0, राइट। सो 0 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट तो 5 ही रहेगा, 0/5 इज 0। फोर्थ ओल्ड वैल्यू देखिए, फोर्थ ओल्ड वैल्यू आपके पास में है 1, राइट। सो 1 डिवाइडेड बाय 5, 1/5। अब एक वैल्यू और रह गई 10, इसकी भी नई वैल्यू निकलेगी। सो फिफ्थ वैल्यू जो है वो है ओल्ड वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट विच इज 5, सो 10/5, 2।
आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इतना कोई इसमें हार्ड नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए जो भी आपने की रो सेलेक्ट करी उसकी न्यू वैल्यूज़ का फॉर्मूला है ये, इसको माइंड में बिठा लीजिए कि जिसको भी मैंने यहाँ हाईलाइट किया दिस इज़ योर की रो इन फर्स्ट टेबल, इस की रो की जो नई रो में जाने वाली वैल्यूज़ होंगी, उस नई टेबल में जाने वाली जो वैल्यूज़ होंगी उनका फॉर्मूला है ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। अब इन वैल्यूज़ को मैं वहाँ पुट कर दूंगा, देखिए 1, 2 बाय 5, 0, सो 1 बाय 1 मैं इन वैल्यूज़ को वहाँ पुट कर दूंगा, 1, 2 बाय 5, 0, 1 बाय 5 एंड 2, सो 1 बाय 5 एंड 2। देखिए न्यू जो की रो थी वो सेकेंड रो थी और मैंने उसकी नई वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब बात आती है कि ये जो बची हुई रो है, यहाँ पे सिर्फ एक रो बची है राइट, जो बची हुई रो है चाहे यहाँ 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी रोज बचे हैं की रो के अलावा, उनके लिए क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार इसको मैं रब कर देता हूँ। सो नाउ न्यू वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग रोज, जो बची हुई रोज हैं उनकी न्यू वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी, उनके लिए एक तरीका है, मैं फॉर्मूला नहीं बोलूँगा इसको, मैं तरीका बोलूँगा जो कि एक सेट ऑफ प्रोसेस मान लीजिए। तो उसके लिए जो तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले लिखिए ओल्ड वैल्यूज माइनस, देन स्टार्ट अ ब्रैकेट, ओल्ड वैल्यूज माइनस हाईलाइटेड वैल्यू। अभी मैं सब बता दूंगा ये क्या मतलब है, बस इसको लिख लीजिए अभी, हाईलाइटेड वैल्यू इनटू रेस्पेक्टिव न्यू की रो वैल्यूज। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला आपका बना, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ओल्ड वैल्यूज माइनस हाईलाइटेड वैल्यूज इनटू रेस्पेक्टिव की रो वैल्यूज। अब देखिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख रहा हूं एक बार फॉर्मूले को, ओल्ड वैल्यूज माइनस हाईलाइटेड वैल्यूज इनटू रेस्पेक्टिव न्यू की रो वैल्यूज। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैं बची हुई रो एक ही है, ये फर्स्ट वाली रो जो है ये बची हुई है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इस वाली रो की न्यू वैल्यूज़ हमें निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड वैल्यूज़ को सबसे पहले लिख देंगे। देखिए मैं 1 बाय 1 ओल्ड वैल्यूज़ को लिखता जा रहा हूँ, इसकी 3, देन है 5, देन है 1, देन है 0, देन है 15, ये सारी ओल्ड वैल्यूज़ मैंने 1 बाय 1 लिख ली। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट वैल्यू 3 है, देन 5, 1, 0, 15 राइट। अब माइनस साइन लगेगा तो सब पे मैं माइनस साइन यहाँ लगा रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा था इट्स नॉट अ फॉर्मूला इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, माइनस लगाया। अब हाईलाइटेड वैल्यू क्या है, देखिए हाईलाइटेड वैल्यू से हमारा मतलब क्या है, उस रो में केवल एक वैल्यू ऐसी होगी जो हाईलाइटेड होगी। देखिए ये जो 3 है ये इस रो की हाईलाइटेड वैल्यू है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर से ये की कॉलम जा रहा है राइट, ये की कॉलम बॉक्स में जो इस रो की वैल्यू आ रही है वो है 3, उसको बोलेंगे हाईलाइटेड वैल्यू। ठीक है, तो हाईलाइटेड वैल्यू सबके लिए क्या रहेगी, 3 रहेगी। सो यहाँ 3 फिक्स रहेगा, ये हाईलाइटेड वैल्यू इस रो की फिक्स है, 3 है क्योंकि इससे की कॉलम जा रहा है। देन मल्टीप्लाई आपने बोला सर, तो मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ। ठीक है, नाउ रेस्पेक्टिव न्यू की रो वैल्यू, न्यू की रो वैल्यू मतलब जो की रो आपकी थी जो सेकंड होती है उसकी न्यू वैल्यूज जो आपने लिखी उनको 1 बाय 1 लिख लीजिए। रेस्पेक्टिव का मतलब ये है फर्स्ट वैल्यू के साथ में फर्स्ट वैल्यू, सेकंड के साथ में सेकंड। तो ये देखिए ये वैल्यूज आपके पास में है 1, 2 बाय 5, 0, 1 बाय 5, 2, सो 1, 2 बाय 5, 0, तो मैं इनको 1 बाय 1 यहाँ लिख दूंगा, 1, 2 अपॉन 5, 0 और ब्रैकेट क्लोज करते जाइए, 1 बाय 5 एंड 2, सो 1 बाय 5 एंड 2 देखिए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए फर्स्ट वाला है 3 माइनस 3 इंटू 1 इज 3, 3 माइनस 3 0। ठीक है, नेक्स्ट वाले को आप देखिए 5 माइनस, ये सिंप्लीफाई होगा तो 5, 3 टू 6 अपॉन 5, सो इसको और सिंप्लीफाई करिए, 25 माइनस 6 अपॉन 5, तो ये आपका हो गया 19 अपॉन 5। ठीक है, ये वाला देखिए 3 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 माइनस 0, सो इट विल बी 0, सॉरी 1, इट विल बी 1, 1 माइनस 0 1। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए 0 माइनस
थ्री अपॉन फाइव, तो ये आपका हो गया नेगेटिव थ्री अपॉन फाइव, क्या हो गया नेगेटिव थ्री अपॉन फाइव, और ये लास्ट वैल्यू बची 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 इज वॉट 9, ठीक है। तो इन वैल्यूज को उठा करके पहली ये रही, दूसरी ठीक है, उसके बाद में थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पांचों वैल्यू मैं वहाँ फर्स्ट रो में इंसर्ट कर दूंगा। आई विल इंसर्ट ऑल दीज फाइव वैल्यूज इन टू दैट फर्स्ट रो। क्या क्या है, 0 19/5, 0 19/5, ओके, 1 -3/5, 1 -3/5 एंड 9। सो ये मेरी सेकेंड टेबल की दोनों रोज आ गई। आई होप ये तरीका आपको समझ आया होगा, नहीं आया एक बार रिवाइज करिए, एक बार में समझ नहीं आएगा मैं भी जानता हूँ, एक बार वापस इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करिए, और दोनों फॉर्मूले, एक की जब की रो की न्यू वैल्यूज़ का फॉर्मूला ओल्ड वैल्यू अपॉन की एलिमेंट, और बची हुई सारी रोज का निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड वैल्यू माइनस हाईलाइटेड वैल्यू इनटू रेस्पेक्टिव न्यू की रो वैल्यू। अब कुछ भी नया नहीं है, अब सिर्फ पुराना काम करना है। आपको साफ पता है कि अब हम क्या करेंगे, सर अब जेड जे निकालेंगे। जेड जे निकालने का तरीका क्या है, अब देखिए डायरेक्ट करते हैं हम, फर्स्ट वैल्यू 0, 0 × 0 इज 0 प्लस 1 × 5, सो 0 + 5 इज 5। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे देखिए 19/5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 एंड 5 × 2/5 विल गिव यू, 5 से 5 कैंसिल, इट विल गिव यू 2। यहाँ आइए, 0 × 1 इज 0 एंड 0 × 5 इज 0, तो 0 + 0 इज 0। यहाँ पे ये -3/5 0 से मल्टीप्लाई होता 0 एंड 5 × 1/5 इज 5। आप सॉल्व करके देखिएगा, पिछले वीडियो में बता रखा है कैसे जेड जे कैलकुलेट होता है, दैट इज़ वाई आई एम डूइंग इट अ बिट फास्ट। सो 9 × 0 इसकी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए इसे। नाउ अब नीचे आइए, सी जे माइनस जेड जे, सी जे माइनस जेड जे, सी जे एरा जेड जे एरा सी जे एरा। सो फर्स्ट कॉलम के लिए, फर्स्ट एक्स वन कॉलम के लिए जो सी जे माइनस जेड जे होगा दैट विल बी 5 - 5, सो इट विल बी 5 - 5 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इट इज 3 - 2, सो 3 - 2 इज इक्वल टू 1। 0 - 0, 0 - 0 इज इक्वल टू 0, एंड 0 - 1 इट विल बी -1, राइट। अब अगेन क्या चेक करना था, सर सी जे माइनस जेड जे में ऑल वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू 0 हो गई क्या, तो सेंस मैं अब यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सेंस ऑल दी वैल्यूज, या फिर आप इसको और लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दीजिए, सेंस देयर इज 1 पॉजिटिव वैल्यू इन नेट इवेल्यूएशन रो, नेट इवेल्यूएशन रो मतलब सी जे माइनस जेड जे, नेट इवेल्यूएशन रो, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन नॉट बी ऑब्टेंड राइट नाउ, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन नॉट बी ऑब्टेंड राइट नाउ, ठीक है। सो वील मूव टू टेबल, सिंप्लेक्स टेबल थर्ड, यस थर्ड सिंप्लेक्स टेबल, वील मूव टू थर्ड सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है। नाउ थर्ड सिंप्लेक्स टेबल में जाने के लिए हमें क्या चाहिए, सर की कॉलम और की रो, वही प्रोसेस है, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करिए सी जे माइनस जेड जे की, तो सर ए की पॉजिटिव वैल्यू है वही हाईएस्ट है, वो है ये, तो ये जो वाला, ये जो कॉलम होगा आपका, दिस विल बी योर की कॉलम दिस टाइम। अब ये आपका कॉलम की कॉलम हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी सी जे माइनस जेड जे वैल्यू हाईएस्ट पॉजिटिव है। नाउ आर आर निकालना है, रिप्लेसमेंट रेशियो निकालने का तरीका, एस वी डिवाइडेड बाय रेस्पेक्टिव की कॉलम वैल्यू, सो 9 देखिए फर्स्ट वाला निकलेगा, एस वी इज 9 डिवाइडेड बाय 19/5, सो इट विल बी 9 × 5/19 विच विल गिव इट मेक इट टू 45/19, सो 45/19 ये आपका हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू आप देखेंगे, सो इट इज़ 2 / 2/5, ये बहुत ईजी है, 2 / 2/5, सो इट विल बी 2 × 5/2, 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी 5। अब क्या करते हैं सर, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, सो 45/19 और 5 में से लीस्ट क्या है, तो आप क्लियरली आपको पता चल जाएगा
कि ये जो 45/19 है दिस इज़ दी लीस्ट वैल्यू, तो ये जो फर्स्ट रो है दिस विल बी योर की रो। अब सेकंड टेबल में देखिए आपकी की रो और की कॉलम आपको मिल गए, ये है आपका की रो और ये है आपका की कॉलम। ये एरो लगाने का मतलब क्या है? एरो लगाने का मतलब ये है सर कि अब थर्ड सिंप्लेक्स टेबल में जब हम जाएंगे तो X2 तो इंसर्ट होगा और किसकी जगह आएगा? S1 की जगह आएगा, ये कहने का मतलब है, राइट। सो इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ, यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर से करिए, बिकॉज मैंने पहले भी कहा था इन सिंप्लेक्स मेथड ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ टू प्रिपेयर फर्स्ट टेबल एंड हाउ टू प्रिपेयर सेकंड टेबल। पहली और दूसरी टेबल बनाना आ गया, कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है, रिपीटेशन ऑफ वर्क है और कुछ भी नहीं है, रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स है और कुछ भी नहीं है, राइट।